Brought to you by ITIL Series. एकदम सही इंतजाम है। इस बार यूपी पुलिस के अधिकारियों ने ठान लिया था कि सॉल्वर डाल डाल तो यूपी पुलिस पार पार। चीटिंग ये नास पीटे करते हैं और किरकिरी पुलिस की हो जाती है। अब एक बार इस शख्स को ही देख लीजिए। इसे कहते हैं कि किस्मत में रहेगा डब्बा तो कहां से मिलेगा मुरब्बा। जी हां, जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है अभिनव आलोक। अभिनव आलोक बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और रेलवे में ट्रैकमैन ग्रुप डी के पद पर तैनात है। आरोप है कि बिजनौर निवासी अभ्यर्थी आशीष कुमार की जगह यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिटन एग्जाम देने के लिए ये शख्स बिहार से आया था, लेकिन बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया। तो हुआ ये कि बिजनौर के नूरपुर रोड स्थित रूट्स इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर पर साहब एग्जाम देने आए थे। केंद्र पर जब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हुई तो इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, जिसके बाद जब चेकिंग शुरू की गई तो पता चला कि सब कुछ गड़बड़ झाला है। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बिजनौर के औरंगाबाद गाँव के रहने वाले आशीष कुमार की मुलाकात अभिनव आलोक से पटना में हुई थी। वहीं दोनों के बीच फर्जी कैंडिडेट्स बनकर एग्जाम देने की डील हुई। वादे के मुताबिक अभिनव आलोक तय समय पर सेंटर पहुंच गया, लेकिन बायोमेट्रिक के दौरान धर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड और कई दूसरे दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने सॉल्वर अभिनव आलोक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे कई जांच एजेंसी भी पूछताछ करने में जुटी है कि इसके पीछे और कितने लोग हैं और ये कहीं कोई सॉल्वर गैंग से तो जुड़ा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, जिस शख्स की जगह ये एग्जाम देने आया उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉन्स्टेबलशिप भर्ती परीक्षा में रूट्स इंस्टीट्यूट पर एक व्यक्ति आ रहा है, जो एक अन्य अभ्यर्थी आशीष, जो कि यहाँ औरंगाबाद सिकंदरपुर बिजनौर का रहने वाला है, उसके स्थान पर परीक्षा देने आ रहा है। रूट्स इंस्टीट्यूट से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई, इसने अपना अभिनव बताया और ये बिहार का रहने वाला है, रेलवेज में गोरखपुर में जॉब करता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसको पटना में इससे आशीष से मुलाकात हुई थी और उसके स्थान पर ही परीक्षा देने आया है। इसके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इस संबंध में रिलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है, उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।